गुड मॉर्निंग एवरी वन, हेयर इज़ धरती मैम. सो वॉट टूडे इज़ योर सेकेंड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ रिगार्डिंग द सिलेबस. आपको मैंने कल बताया था कि हमारे पास जो बायोलॉजी का पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है. टाइम जो है वो आपको 3 आवर्स मिलता है और ये हमारा थ्योरी पोर्शन जो है वो 70 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का. 70 मार्क्स में से आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, डेट इज़ बॉटनी एंड जूलॉजी. बॉटनी सेक्शन जो है वो हमने कल डिस्कस किया था, 35 मार्क्स का होता है और उसके फर्दर यूनिट्स देखे थे और हर एक जो सब टॉपिक था वो भी देखा था. नाउ आज जो हम डिस्कस करेंगे डेट इज़ द जूलॉजी पोर्शन, जो अगेन 35 मार्क्स कैरी करता है और इसमें भी फर्दर 4 यूनिट्स हैं. क्लियर? सो सी द सेक्शन बी डेट इज़ जूलॉजी. इसमें देखिए कि यूनिट फर्स्ट जो है यहाँ पे भी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है. बॉटनी में भी डाइवर्सिटी था और जूलॉजी में भी क्या है, डाइवर्सिटी है. ये 8 मार्क कैरी करता है. इसमें हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करने हैं जो जूलॉजी से रिलेटेड होंगे, सारे एनिमल्स के. सेलिन फीचर्स करने हैं हमने एनिमल्स के, राइट फ्रॉम द नॉन कॉर्डेट्स अप टू द फाइलम लेवल. हमारे पास 2 पार्ट्स में होते हैं एनिमल्स, दैट इज़ नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. नॉन कॉर्डेट्स जो हैं उनका हमने फाइलम लेवल तक करना है और कॉर्डेट्स जो हैं वो हमने क्लास लेवल तक करना है. तो हमारे पास हायरार्की होती है किंगडम से लेके स्पीशीज तक, उसी में ये आते हैं फाइलम, क्लासेस, फैमिलीज, जीनस, स्पीशीज. तो ये आप फर्दर जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे. देन वी हैव द एनिमल किंगडम. तो एनिमल किंगडम हमने पूरा डिटेल में इसमें करना है. नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजिकल पार्क्स. हमने J&K की और ऑल ओवर इंडिया की सारी जूलॉजिकल पार्क्स करनी है. नेचुरल म्यूजियम्स स्पेशल, देखिए लिखा भी है विद स्पेशल रेफरेंस टू लोकल जूज. देन वी हैव द नेशनल पार्क्स लाइक द मांडा, महामाया, डाचिगम एंड हामिस. क्लियर? तो ये हमने करना है. देन वी हैव द नेक्स्ट वन इज़ द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करनी है सेल की विद द सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो सबसे पहले प्रिमिटिव सेल्स आए थे एंड द यूकैरियोटिक जो है वो वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं. तो इनकी हमने डिटेल स्टडी करनी है. देन वी हैव द सेल वॉल. सेल वॉल के बाद हमारे पास है सेल मैम्ब्रेन और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक वी हैव द प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम इज देयर, देन गोल्गी बॉडीज, देन वी हैव द डिक्टायोसोम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स. इन सब के हमने स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने इनके फंक्शंस भी करने हैं. क्लियर? देन वी हैव द सीलिया एंड फ्लैचुला. ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक होते हैं जो हेल्प करते हैं मूव करने के लिए. इनका भी हमने स्ट्रक्चर फंक्शन देखना है, किसने डिस्कवर किया है, किसने नहीं किया है, ऑल डिटेल हमने इसमें करनी है. देन नेक्स्ट इज़ द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन. सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें DNA, क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हमने इसका डिटेल स्टडी करना है. देन वी हैव द सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल है. इसमें हमारे पास है सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस. ये जो माइटोसिस एंड मियोसिस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट वन इज़ द बेसिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडीज़. तो जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हम देखेंगे. नेक्स्ट वी हैव द बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. तो इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करना है और इसमें आते हैं वी हैव द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड इज देयर, देन मेटाबोलाइट्स हैं जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमने करने हैं. लास्ट वन इज़ द एंजाइम्स. इनके टाइप्स, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, एप्लीकेशंस, थेरीज, जो भी इससे रिलेटेड है वो सारा डिटेल हमने इसमें करना है एंजाइम्स में. नेक्स्ट यूनिट वी हैव द थर्ड यूनिट दैट इज़ हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी. थर्ड यूनिट 7 मार्क्स कैरी करती है. इसमें हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी होती है टिश्यू की स्टडी करना, मॉर्फोलॉजी होती है अपेयरेंस जो है उसकी स्टडी करना. तो हिस्टोलॉजी में हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज़. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं
एनिमल्स के अंदर जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो हमने इसमें करने हैं. फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू, देन वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू इज देयर, नर्वस टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. देन नेक्स्ट इसी में है हमारे पास एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच. तो इन तीनों की मॉर्फोलॉजी भी करनी है और साथ में एनाटॉमी भी करनी है. देन वी हैव द फोर्थ यूनिट डेट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. ये सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें इतनी नॉलेज है, इतना कंटेंट है कि आप अगर आप इसे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी. तो ये कैरी करता है 10 मार्क्स. इसमें सबसे पहले है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट वन इज वी हैव द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. थर्ड वन इज़ बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड से रिलेटेड सारा. देन वी हैव द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन. देन वी हैव द लोकोमोशन एंड मूवमेंट. देन नेक्स्ट वन इज़ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो ब्रेन से रिलेटेड है. लोकोमोशन में आपका जॉइंट से रिलेटेड, बैकबोन एटसेट्रा जितने भी हैं ये सारे आएंगे. देन वी हैव द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. क्लियर? तो ये था आपका टोटल 4 यूनिट्स ऑफ द जूलॉजी सेक्शन. एक बार फिर से देख लीजिए दैट फर्स्ट चैप्टर इज़ द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, 8 मार्क्स कैरी करता है. देन वी हैव द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये 10 मार्क्स कैरी करता है. ये बेसिक यूनिट है जूलॉजी सेक्शन का जिसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज़ वी हैव द हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, ये 7 मार्क्स कैरी करता है. एंड देन फोर्थ यूनिट वी हैव द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 10 मार्क्स कैरी करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द जूलॉजी सेक्शन एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे.